ये हमारी फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड का सुरक्षा है, वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पढ़ने में, जनरेटर की व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ माहौल है जो बच्चों को, क्योंकि मेडिकल की लड़की मेडिकल के साथ रखते हैं, इंजीनियरिंग की लड़की इंजीनियरिंग के साथ रखते हैं। मेरे यहाँ एसी भी है, नॉन एसी भी है, ऑन डिमांड, क्योंकि जिस तरह से आप बच्चों का जो रिक्वायरमेंट आता है, गार्जियन का जो आता है, उस हिसाब से मैं फैसिलिटी देती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं विद्यापीठ पटना वाले सेंटर से, पास में पड़ता है ये हॉस्टल, आप लोग देख सकते हैं ये भारती गर्ल्स हॉस्टल है और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका लोकेशन दिया हुआ है, नियर चिरैया डाट ब्रिज, गौरिया टोली स्टेशन रोड। तो इसके पास से जस्ट सामने से आप जाओगे तो विद इन 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर आपको मिलेगा पीडब्ल्यू का विद्यापीठ पटना वाला सेंटर। तो आज हम लोग इसी हॉस्टल को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हैं, देखें हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं भारती गर्ल्स हॉस्टल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉमन स्पेस मिल जाएगा बैठने के लिए। इधर देख सकते हैं आप भारती गर्ल्स हॉस्टल का ये ड्यूअल सीटर रूम होने वाला है, जहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, स्टडी टेबल मिलती है, आपको 2 चेयर मिलते हैं और इधर कबर्ड भी मिलता है। और बात करते हैं तो इस रूम में एसी की फैसिलिटी है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में, देखते हैं यहाँ पे बच्चे जिस तरह से डिमांड करेंगे उनको एसी और नॉन एसी भी दिया जाएगा। आप ये रूम देख सकते हैं, ये रूम आपको ट्रिपल सीटर होने वाला है। ये बेड हो गया और इधर आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, यहाँ पे भी एसी की फैसिलिटी है, आपको कबर्ड भी मिल जाएगा इस रूम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े रखने के लिए बच्चों के काफी अच्छा है, चेयर मिल जाएंगी, स्टडी टेबल मिल जाएंगी। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एसी रूम लेना है या फिर नॉन एसी रूम लेना है। तो जैसा आप आएंगे यहाँ पे विजिट कीजिए और देखिए कैसा है। आप लोग आइए यहाँ पर, देखिए क्या कुछ खास है यहाँ पे, बात कीजिए। आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप लोग यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि यहाँ का जो फैसिलिटी होने वाला है वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं इधर बालकनी एरिया है और साथ साथ इधर आपको, इधर भी आपको 3 सीटर रूम मिलेगा एक। और रूम देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है रूम। यहाँ पे आपको स्टडी टेबल, इधर आपको वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं आप इसे लाइक यहाँ पे। और ये भी रूम आपको एसी हो, इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएंगी। अभी हमारे साथ है वंदना मैम और मैं बता दूँ मैम यहाँ की हॉस्टल ऑनर है भारती गर्ल्स हॉस्टल की, और मैम से हम बातें करते हैं और जानते हैं मैम क्या कुछ खास कर रही है अपने बच्चों के लिए। हेलो मैम, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। मैं यहाँ पे हॉस्टल चला रही हूँ और मैं काफ़ी दिन से चला रही हूँ, लेकिन मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन रोड में, जो कि प्राइम लोकेशन पे यहाँ पे हॉस्टल ली हूँ। और यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है, एक तो रूम इतनी अच्छी है, हर रूम से अटैच बाथरूम है, और उसके बाद खाने पीने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, चाय है, जो भी हो, और मेनू हमेशा चेंज भी होता है बच्चों के अकॉर्डिंग। ये हमारी फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड का सुरक्षा है, वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पढ़ने में, जनरेटर की व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ माहौल है जो बच्चों को, क्योंकि मेडिकल की लड़की मेडिकल के साथ रखते हैं, इंजीनियरिंग की लड़की इंजीनियरिंग के साथ रखते हैं, ये बहुत बड़ा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और मैम आपके पास कैसे कैसे रूम अवेलेबल है, एसी रूम है या फिर नॉन एसी रूम? मेरे यहाँ एसी भी है, नॉन एसी भी है, ऑन डिमांड, क्योंकि जिस तरह से आप बच्चों का जो रिक्वायरमेंट आता है, गार्जियन का जो आता है, उस हिसाब से मैं फैसिलिटी देती हूँ। ओके, और कुछ चीज़ें बताना चाहें जो मतलब कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या क्या कुछ आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी? बच्चे के लिए वाईफाई है, आप एडिशनल कभी बच्चों का डिमांड हुआ कि हमें कुछ एक्स्ट्रा खाना है कुछ, जैसे तो घर जैसा तो नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि माँ का हाथ का टेस्ट कोई दे नहीं सकता, लेकिन माँ बनने की जरूर कोशिश करती हूँ। मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ इसलिए मुझे पता है हॉस्टल का दुख दर्द क्या होता है। बच्चे डिसिप्लिन में रहे, उनकी हम वार्डन नहीं, मैम नहीं, एक दोस्त बन के रहना चाहते, लेकिन जहाँ बच्चे जहाँ थोड़ा लगेगा, वैसे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर लगेगा तो मैं बीच बीच में ज़रूर गाइडलाइन दूंगी। उनके गार्जियन को प्रॉपर वे में बताती हूँ कि भाई देखिए बच्चे ऐसे, पहले तो मैं बच्चे से बात करती हूँ, अगर बच्चे थोड़ा सा लगता है तो फिर मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ। सारा सुविधा जो है ना एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही मैं करती हूँ, और उसके बाद मैं एक अच्छी दोस्त भी बनती हूँ बच्चों की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग आइए एक बार, इस हॉस्टल का लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो ऑनर का नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट बात कर सकती हैं और वहां से
आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं कि भारती गर्ल्स हॉस्टल में क्या प्राइसेस है, कितने में यहाँ पे अफोर्डेबल है फ़ी या फिर जो भी है, क्योंकि अभी ये मेरे अकॉर्डिंग ये अभी न्यू ओपन हुआ है ओनली फॉर PW विद्यापीठ स्टूडेंट्स के लिए। तो होप यू ऑल लव दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी।